हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं पी ब्लॉक और आज हम करने वाले हैं ग्रुप 13 की केमिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कॉमन भी मिलेंगी। सो लेट अस लुक एट फर्स्ट एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गेलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इट्स ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। आज हम इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करने वाले हैं, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, विद एसिड एंड बेसिस, विद हैलोजन्स, विद वाटर, इन सबको देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बोरोन और एल्यूमिनियम हमें +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं, राइट? गैलियम एंड इंडियम वुड प्रेफरेबली और विल बी स्टेबल इन +3 भी मिलती है, +1 भी मिलती है। रादर जो थेलियम है उसमें भी आपको +3 +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, यानी कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये ग्रुप जो करता है +3 एंड +1, राइट? गैलियम और इंडियम दोनों ही स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन थेलियम के अंदर स्टेबिलिटी किसकी है? +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा है, इट इज़ मोर स्टेबल। व्हाई मोर स्टेबल? नाउ वी अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल थेलियम का +3 ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट कर रहा हो, सो वो +1 में आने की ऑलवेज कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ बींग मोर स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। सो इसका मतलब ये +3 से +1 में आने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो रही है? रिडक्शन। +3 से +1 में आ रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो रिड्यूस करता है होता है वो खुद कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो खुद रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। इसका मतलब इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थेलियम इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने रिड्यूस होना ही होना है, राइट? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वजह से ये हमेशा आपको एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में मिलता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं गैलियम और इंडियम की। तो हमने थेलियम की देख ली यहाँ पे, अब हम देखते हैं विद गैलियम एंड थेलियम इंडियम। अब गैलियम और इंडियम हमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रहे हैं, +1 भी देता है एंड +3 भी देता है। एंड ऑब्वियसली वी नो दैट द ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज 0। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। जब वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, अब वो एक भी लूज कर सकता है और 3 भी कर सकता है। Now look at it, it has got 3 oxidation states. It means it can show disproportionation reaction. So, gallium and indium can undergo disproportionation reaction. Disproportionation reaction? यानी अगर मान लीजिए आपके पास गैलियम का एक मॉलिक्यूल है GAX, राइट? GAX यानी यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 की, ठीक है जी? अब यहाँ से देखिए सॉलिड स्टेट में है, इट कैन बिकम गैलियम सॉलिड ऑल्सो विच इज़ 0। +1 से 0 की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक है? एंड इट कैन ऑल्सो गिव अस गैलियम +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस स्टेट, +3x नेगेटिव, ठीक है जी? सो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर आपके पास रिडक्शन भी हो रही है। लुक एट इट, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देयर इज रिडक्शन एंड आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सो दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Similarly, we can see in case of indium with any halogen, it is going to give you indium in solid state and it is going to give you indium in +3 aqueous ions, plus you will get 3x negative aqueous ion.
सो यहाँ भी आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है. लेकिन अगर आप थेलियम को देखते हैं विच इज़ इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, थेलियम ऑक्साइड, और अगर आप थेलियम ऑक्सीक्लोराइड को देखते हो, यहाँ भी ये प्लस वन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. दीज आर मोर स्टेबल देन थेलियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. सो थेलियम डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बट गैलियम एंड इंडियम विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. आप पॉज करके उसको नोट कर लें. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. यानी कि जब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, दे रिमेन एज इनर्ट पेयर. जबकि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इन चारों एलिमेंट में प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन क्यों आ रही थी? क्योंकि इनके एस इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे. अगर आप कॉन्फिग्रेशन याद हों तो बोरोन की कॉन्फिग्रेशन क्या थी? 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1. वी आर एमिटिंग द डी ऑर्बिटल्स एट द मोमेंट, आई एम जस्ट गिविंग द एस एन पी कॉन्फिग्रेशन. इंडियम 5s2 5p1 एंड थेलियम 6s2 6p1. अभी थेलियम के केस में क्या हो रहा है कि ये वाले एस इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दैट इज वाई थेलियम की प्लस वन की ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल होती है. बट वी नो दैट अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा आप दे दोगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी आयनाइज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. इसीलिए थेलियम प्लस थ्री की स्टेट में आ तो जाएगा पर वो अनस्टेबल होता है. इट वॉन्ट टू गेन बैक इट्स इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो प्लस वन की ऑक्सीडेशन में ज़्यादा रहना चाहता है. राइट और हमें पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है. व्हाई इज दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट? इसके दो रीज़न है. पहला रीज़न क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑन NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल. अब ये किसी का भी हो सकता है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट F ऑर्बिटल भी है और D ऑर्बिटल भी है. दोनों का ही इस S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. दैट इज वाई दिस एस ऑर्बिटल कैन पेनिट्रेट टूवर्ड द न्यूक्लियस एंड कैन गेट बाइंड टू द न्यूक्लियस. सो दूसरी चीज़ क्या है, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, देर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास, ड्यू टू एटॉमिक मास, इट ओवरवेज एज एटॉमिक मास ओवरवेज एटॉमिक साइज इंक्रीज. सो नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. अभी हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी वजह से किस तरह के चेंजेस हमें मिलेंगे. पहली चीज, विद ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री दे यूजुअली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. वी नो दैट डाउन द ग्रुप, इन दिस ग्रुप हमने देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है. इसका मतलब ऊपर मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे, मोर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स. क्यों? बिकॉज आपको फजान जीरुल राव याद होगा, स्मॉल कटायन का साइज एंड लार्ज और दी हायर चार्ज टू कटायन रेशो, यानी साइज और उसके चार्ज का जो रेशो है, अगर साइज छोटा है और हाई चार्ज कटायन है उसमें पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल. पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन एंड पोलराइजेशन पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
साइज ऑफ कटायन, जितना छोटा साइज कटायन का होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर हमें मिलेगी, इसीलिए वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे या कोवलेंट बॉन्ड्स शो करेंगे। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज इज वेरी लार्ज सो फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, सो फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। नंबर थ्री, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप। हमें पता है कि इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनती हैं, इन्हीं कारणों से बनती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बिटवीन अदर एलिमेंट्स। एंड नंबर फोर, बोरोन विद बी थ्री पॉजिटिव फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट ड्यू टू डिक्रीज इन द सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज डाउन द ग्रुप एल्यूमिनियम हैज लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। हमें पता है कि एल्यूमिनियम का सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑल दो कम हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता ज्यादा, बट मेजरली फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। हमें ये भी पता है, राइट? फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का देखेंगे AlF3 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, या एल्यूमिनियम के कोई भी हैलाइड हैं, दीज आर ऑल कोवलेंट। सो बेरिलियम और एल्यूमिनियम तक, बोरोन और एल्यूमिनियम तक हमें कोवलेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं कि गैलियम एंड इंडियम, दीज टू एलिमेंट्स दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स व्हेन आर एनहाइड्रस। अगर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, दे कैन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, यानी ये अपनी प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे सकते हैं, बट इन एक्वस कंडीशन और हाइड्रेटेड फॉर्म दे फॉर्म मेटल आयंस, बिकॉज इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज मोर देन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड चेंजेस फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर। राइट, इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखें, एल्यूमिनियम इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम पहले गैशियस एटम है एक, ठीक है, इसने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये बन गया एल्यूमिनियम थ्री प्लस इन गैशियस स्टेट। नाउ दिस इज व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी है अप्रॉक्सीमेटली 5137 किलो जूल पर मोल। आपको याद नहीं करनी है, राइट? ये आयन गैशियस फॉर्म में बने, दिस इज अ कलेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3। एल्यूमिनियम 3 प्लस गैशियस आयन को कन्वर्ट करेंगे अगर हम एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्वस के अंदर, सो यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, -4665 किलो जूल, करेक्ट? और अगर हम क्लोरीन की देखें, 3 क्लोरीन एटम्स
फ्रॉम गैशियस आयन्स कन्वर्ट्स इनटू 3 क्लोरीन आयन्स इन एक्वस स्टेट. ये भी हाइड्रेशन एनर्जी है ऑफ क्लोरीन, विच इज इक्वल टू -2381 किलो जूल्स. इट्स ओनली -381. एक मॉलिक्यूल की -381 है तो तीन मॉलिक्यूल्स की, तीन एटम्स की कितनी होगी, तीन आयन्स की, मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1143 किलो जूल्स पर मोल. यूनिट तो पर मोल ही रहेगी, राइट. इन दोनों को आप टोटल करेंगे, व्हाट इज द टोटल एनर्जी चेंज, दैट इज इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस 5808 किलो जूल्स पर मोल. और हमारे लिए नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो वी कैन सी दैट डेल्टा एच हाइड्रेशन मैग्नीट्यूड वाइज इज क्वाइट हाई देन द आयोनाइजेशन एनर्जीज. ये थी 5137, ये है 5808. सो दिस इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज वाई इट इज गोइंग टू गेट हाइड्रेटेड इजीली. बट इन केस ऑफ गैलियम इंडियम एंड थेलियम इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 and +3 स्मॉल कटायन इज लार्जर, साइज ऑफ द कटायन इज लार्जर क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, साइज चार्ज हो रहा है एंड चार्ज इज इंक्रीजिंग इज +1 विच इज लेस. सो अगर हम देखें साइज टू चार्ज रेशो क्या होगी, डिक्रीज कर रही है. सो इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स. ठीक, देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो कोवलेंट बनाएंगे, +1 में जितने होंगे वो सब आयनिक बनाएंगे, राइट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑन हाइड्रेशन और ऑन हाइड्रोलिसिस और ऑन बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलिसिस इज अ डिफरेंट वर्ड, ऑन बीइंग हाइड्रोलाइज्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू स्पीशीज, दे कैन फॉर्म टू स्पीशीज. That is, one is having tetrahedral geometry and another one is having the octahedral geometry, right? और वो कैसी कैसी बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोरोन का देखें तो वो देखो tetrahedral बना रहा है, tetrahedral ion. और aluminium का देखो it is forming hexa, right? So these are the two different kind of species that can be formed by +3 oxidation state. So +3 oxidation state में जितने भी molecules बनेंगे covalent compounds बनेंगे, right? और अगर +1 के oxidation state आएगी तो वो ionic बनाएंगे. Hydrolyze होने पर दो तरह की species बनेंगी, tetrahedral and the octahedral. और यही हम देख रहे हैं octahedral. Aluminium के क्या पैसे present था? Because of vacant d orbitals, aluminium can undergo एक्सेप्शन और एक्सेप्टिंग द लोन पेयर्स ऑफ वाटर, तो ये ऑक्टाहेड्रल बना सकता है. लेकिन ये टेट्राहेड्रल क्यों बना, बिकॉज ऑफ नो डी ऑर्बिटल. इसीलिए जितने उसके पास अवेलेबल है उन्हीं के साथ वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है. सो हमें पता है कि बोरोन टेट्राहाइड्रोक्सी बोरोन बोरेन बोरेट आयन जो है टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट आयन, इसके अंदर sp3 कॉन्फ़िगरेशन होती है बोरोन की. और अगर हम एल्यूमिनियम का देखें हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3+ आयन, दिस इज गोइंग टू हैव sp3d2, 3, 4, 5, 6 टोटल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, राइट. आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट, इन ट्राइवेलेंट यानी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम
इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी ओनली सिक्स. सो दे बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. लाइक वी हैव बोरोन F3, वी नो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, सो दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक लुईस एसिड, राइट? सो हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और अ पेयर ऑफ of electrons to achieve a stable inert gas configuration and behave as Lewis acids, right? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि ये BCl3 है, वी नो दैट ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है एंड वी हैव अमोनिया जिसके पास एक लोन पेयर है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये बोरोन इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, कैसे बनेगी रिएक्शन? BCl, ये लोन पेयर किसने दिया है? नाइट्रोजन ने. सो किसको दिया? बोरोन को. तो डेटिव बॉन्ड विल बी इन दिस फैशन. ये रहा आपका अमोनिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो इस तरह का एक मॉलिक्यूल बन सकता है और यहाँ अब बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. सो बोरोन हैज एक्सेप्टेड एन इलेक्ट्रॉन, सो इट्स अ लुईस एसिड एंड अमोनिया इज डोनेटेड एन इलेक्ट्रॉन, इट इज अ लुईस बेस. सो एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, एक ने दिया है, सो अकॉर्डिंगली लुईस एसिड एंड बेस हो जाएगा. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज टर्न द ग्रुप. सो हम यहाँ लिख सकते हैं टेंडेंसी टू बिहेव लाइक लुईस एसिड इन ग्रुप 13, राइट? तो वो क्या ट्रेंड रहेगा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लुईस एसिड का जो कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि एक तो इंक्रीज कर रहा है एलिमेंट का साइज और दूसरा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, राइट? सो हम यहाँ लिख सकते हैं द बेसिक रीजन फॉर लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बेटर है decreases down the group due to increase in atomic size बढ़ने की वजह से उनका लुईस एसिड का कैरेक्टर कम हो जाता है, राइट? अब एक चीज बड़ी कॉमन पूछी जाती है कि बोरोन का जो हैलाइड है उनका स्ट्रक्चर यूजुअली कैसा होता है? दे आर एक्चुअली मोनोमर्स लाइक BCl3, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का देखोगे हैलाइड, दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स. लिखा जाता है AlCl3, लेकिन एग्जिस्ट कैसे करता है? Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस. एल्यूमिनियम, क्लोरीन, 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 देन दूसरा क्लोरीन जो है वो नेक्स्ट एल्यूमिनियम का है, लाइक दिस. अब यहाँ पे तीन इसके हैं, तीन इलेक्ट्रो एलिमेंट इसके हैं और ये दूसरा क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सिमिलरली इसको किसी और ने दिया है, ये किसी और का है, लाइक दिस. सो द चेन विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन कोई और देगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, it cannot
accommodate four halides to form a dimer. दो रीजन है, एक तो साइज स्मॉल है और उसके पास नो डी ऑर्बिटल्स आर देयर. इन दोनों रीजंस की वजह से बोरोन कैन नॉट फॉर्म अ डाइमर, राइट?